के कल्याण के निमित्त रखा गया है। यज्ञ क्रिया सर्वोपरि क्रिया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में यज्ञ मेरा ही रूप है। भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी का जन्म हुआ यज्ञ के माध्यम से हुआ है। अनादिकाल में ऋषि मुनि तप करते थे, यज्ञ करते थे, किसके लिए निमित्त? बोले समाज के कल्याण के निमित्त। तो उसी तरह यहाँ पर यह महान धर्म का कार्य प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट के प्रांगण में विशाल सहस्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। आप सब भक्त आइए इस महायज्ञ में। प्रातः 9 से 11 बजे तक माँ भगवती का अभिषेक होता है, राजोपचार पूजन होती है। 11 बजे से 1:30 बजे तक जो दुर्गा सप्तशती मूल पाठ है, तीनों चरित्र का 700 श्लोकों के माध्यम से यज्ञ भगवान की आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ पर 9 कुंडों की स्थापना होती हैं, जो 9 देवियाँ हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि चा, महागौरीत चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यहाँ पर 9 दुर्गाओं की निमित्त 9 कुंड जो हैं बनाए जाते हैं। इसमें से 9 ग्रहों की भी शांति होती है। जो भी भक्त किसी भी कामना, किसी भी उद्देश्य को लेकर के अगर यहाँ पर आकर के आहुतियाँ प्रदान करता है, निश्चित तौर पे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मैं नहीं अपितु यहाँ पर जो 10 वर्ष से लोग आते हैं, वो आकर के जब कामनाएं पूर्ण होती हैं तो आकर माँ के दरबारों में अपनी अपनी मन्नतों को पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हैं। आप सभी माँ के भक्तों से अनुरोध है कि आप आइए और इस धर्म कार्य में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि अब शेष 4 दिन और 9 रात्रों के बचे हैं। जय माता दी। बड़ी सुंदर बात है, पदे पदे या पद पूज्य केभ्या सद्यो समेधादि फलम ददाती। कहते हैं यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। शिव जी के मंदिर गए तो शिव जी की परिक्रमा किए, राम जी के मंदिर गए तो राम जी की, हनुमान जी के मंदिर गए हनुमान जी की, दुर्गा के मंदिर गए तो दुर्गा की। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं, वो सभी देवताओं का इस यज्ञ काल में आवाहन होता है और उन सभी देवताओं के साथ में ब्राह्मण भी बैठते हैं, अग्नि नारायण की स्थापना होती है। इसीलिए यज्ञ के परिक्रमा करने का बड़ा विधान है। यज्ञ की प्रदक्षिणा करने से समस्त जीव के पाप भय संताप नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी, जय माता।